मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है नया दिन। देखो यार, वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं बनती, बट इसलिए क्योंकि मैं फालतू चीज़ नहीं करता। जो काम की चीज़ है वही रिकॉर्ड करना, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। कैसे लोगों से बात करना है, कैसे नए लोगों से बात कर मिलना है। ये देखो, ये बंदा इससे मिला, बात किया, और कब ये हम दोनों एक अच्छी दोस्ती में बदल के हमारे साथ घूमने आया। ऐसा होता है ट्रैवल जब आप करते हो तो होता है, सबके साथ होगा अगर आप को पता है कैसे बिहेव करना है। तो अभी हम जा रहे हैं एक्वा पार्क, जो कि कज़ान में तीन टाइप के एक्वा पार्क है, लेकिन हम जाएंगे रिवेरा में, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है और अच्छा भी है, ठीक ठाक प्राइस में। तो आपको भी अगर इंटरेस्टेड हो एक्वा पार्क में, कज़ान में, तो भाई ये वीडियो देख के जा लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एक्वा पार्क का, तो आप जाने जाना। और हम देखेंगे अभी रेट क्या है, वो तो उधर जाने के बाद ही पता चलेगा क्या प्राइस चल रही है वहाँ पर। उससे पहले तो कोई प्राइस पता नहीं चलेगा मैं, क्योंकि नेट पे देखा, नेट पे जगह उस पर लिखा हुआ था 1500 रूबल एक दिन का और 2 घंटे का 700 रूबल। तो असलियत क्या है वो तो उधर जाने के बाद ही पता चलेगा। अभी हम कार में जा रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी अलग अलग टाइप की कंपनी है, टैक्सी कंपनी, बट कज़ान में बहुत सारी। इससे पहले जहाँ पर गया था वहाँ पर दीदी बोल के कंपनी, दीदी एक कार टैक्सी, वो अच्छी चलती है और सस्ते में मतलब चलती है। एक सिटी मोबाइल है, सिटी मोबाइल, ये रशिया में हर जगह मिल जाएगा, बट कज़ान और इसमें सबसे ज़्यादा मैंने देखा है लोग सिटी मोबाइल और दीदी यूज़ करते हुए, यंडक्स बहुत कम यूज़ करते हैं। तो जैसा भी हमारे इसकी प्राइस जो है एक्वा पार्क जाने के लिए 90 रुपये था है लग रहा है, और यंडक्स में 110 रुपये, सिटी मोबाइल में 100 रुपये। तो अब आप इससे पता कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसी होता, बट ये प्राइस मेरे साथ हुआ है तो शायद आपके साथ भी वैसे हो। अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, वाटर पार्क, एक्वा पार्क, और वो ये पूरा है पीछे। अभी प्राइसेस क्या है वो तो अभी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ आपको, पहले ये पता करें फिर मैं देखूँगा कि प्राइसेस क्या है। गाइज, मैंने टिकट के लिए पूछा यहाँ पर, भाई सीज़न चल रहा है तो थोड़ा महंगा है, सीज़न में महंगा होता है। मैंने आपको दिखाया, जैसे अभी दिखाया होगा, देख रहे होंगे कि क्या प्राइस है। तो अभी फ़िलहाल इसमें से मैं 2 घंटे वाला प्राइस ले रहा हूँ, जो कि 2199 मतलब 2200 रूबल्स का है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जितना हमने सोचा वो से नहीं, उतना नहीं है बिकॉज ऑफ सीज़न, क्योंकि ये समर सीज़न आ रहा है। तो बेस्ट ये रहेगा अगर आपके पास 800 रुपये और लगा सकते हो तो पूरे दिन का है, मतलब एक टाइप का, लेकिन हम खर्च नहीं करना चाहते। तो बाकी भाई नया कोई दोस्त है इसके साथ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, 2200 रुपये 2 घंटे के, बट सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा पोर्शन भी है जिसमें बीच और पूल एक्सेस कर सकते हो, वो आपको 850 रुपये में आपने देख, मतलब कोई मतलब नहीं बनता अगर आप एक्वा पार्क के लिए आ रहे हो, कम से कम 2 घंटा तो 2200 रुपये लगेंगे। और साथ में आपको ये फॉर्म भी भरना पड़ेगा, एक छोटा सा फॉर्म होगा जिसमें आपका नाम, सिटी, डेट ऑफ बर्थ होगा कि आप रिस्पॉन्सिबल हो अगर आपको कुछ होता है तो, या आपके बच्चों को कुछ होता है। अरे भाई, मास्क पहनना पड़ रहा है, अंदर अलाउड नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैंने जो बुक किया है वो 4 घंटे का किया है, 2 घंटे का नहीं, 4 घंटे का 2200 रुपये है, और 1 घंटे का 1700 रुपये है। तो मैंने 2 घंटे का लिया है जो कि 2200 रुपये में है। यहाँ पर आप कार्ड से भी पे कर सकते हो और जो है आप कैश से भी पे कर सकते हो। 4 घंटे का मैंने 6 घंटे का लिया है मैंने, ये चोमू लोगों की वजह से 2400 रुपये में, क्योंकि हम मैंने ये सोचा कि अगर 1-2 घंटे का अगर 1700 रुपये है, 4 घंटे का 2200 है और 6 घंटे का 2400 रुपये है, तो 200 रुपये लेके 2 घंटे का ले ले में क्या दिक्कत है। चाहे तो और पैसे देके, मतलब 600 और देके आई थिंक पूरे दिन ले लेता, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये जाने वाला है, इसलिए मैं पूरे दिन नहीं लूँगा। और ये मेरा नया दोस्त है, हाय 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 हाय, तो ये माय, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज इलिया। एंड व्हाट, हु इज इट? हल्क Vladimir Semyonovich Vysotsky. Okay, he's your favorite? Как будто хороший поэт, Okay. So ये भी हमारे साथ join हुआ है, तो ये भी हमारे साथ अभी जाएगा नहाने, और काफ़ी लोग आए पीछे, देखो काफ़ी ज़्यादा लोग अभी हम जा रहे हैं। तो आप स्विम सूट भी ले सकते हो अलग अलग टाइप के, और ये मैग्नेट भी दिया है, इसका इस्तेमाल होता है आपका वेरिफिकेशन के लिए कि आपका कितना आवर्स बचे हुए हैं,
ये ब्रेसलेट मिलता है हमारे को साथ में। अभी मैं अंदर आ चुका हूँ, ये देखो अंदर ऐसा है इंटरेस्टिंग। और ये देखो भाई कूल, बच्चे नहा रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ आगे, देखते हैं कि आगे क्या रहता है। आगे चेंजिंग रूम है, अब अलाउड नहीं है। हम लोग नहा चुके हैं, एक घंटे से नहा रहे हैं, और अभी हमने सोचा कि एक बार आपको भी दिखा दूँ कैसा होता है। ये हमारा दोस्त, ये भी हमारे साथ आ रहा है। हेलो, तो अभी हम जाएंगे कुछ जगह पर और आपको दिखाएंगे यहाँ पर एक कैसा है पूरा। आपको इस प्रकार का है, ठंडा पानी में -15 डिग्री -15 और 10 सेकंड तक रहने वाले, 10 सेकंड। Как твои ощущения? 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 Как себя чувствуешь? I feel good, потому что... Это хинди! Because... Мне очень не очень нравится, потому что в моем теле очень горячий, а я очень горячий. Мне этом... यहाँ पर बहुत सारे पार्क है जो हमने गए, ये भी गया बट ये बंदा नहाना नहीं चाहता। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। इट्स रियली वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल, यू शुड सी दिस व्यू। ओहो क्या व्यू है यार। वहाँ पर भी गया था मैं, कर लिया मैंने, वहाँ पर अलाउड नहीं कैमरा तो मैं नहीं गया। और ये अपना दोस्त पता नहीं कहाँ चला गया, ये यार। और यहाँ पर भी मतलब मैंने जाऊंगा थोड़ी देर बाद। क्रेमल, हाँ वो क्रेमल है, जो क्रेमलिन है जो आप सामने देख रहे हो। और ये पूरा व्यू है, यहाँ पर मैंने नहाया, मज़े किए बहुत। वहाँ भी गया मैं तो आपको पहले ही बोल रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या दिखाऊँ, मैं अंदर तो अलाउड है नहीं। यहाँ थोड़ा बहुत दिखा दिया मैंने, बाकी बच्चों का है। तो अभी शायद थोड़ा सा पूल में थोड़ी देर और खेलूँगा, उसके बाद सीधा जाऊँगा अपने घर या रेस्टोरेंट खाना खाने। देखते हैं क्या होता है सिचुएशन। ये ऐसे भी है, और बहुत सारे अंदर अलग अलग टाइप के पार्क्स हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अभी बाहर, 6 घंटे के एंजॉय करने के बाद। बाल देखो कैसे हो गए, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ माई हेयर बिकम, बट इट इज़ नॉर्मल आई थिंक। एनी वे, सो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और अभी बज रहे हैं शाम के ऑलमोस्ट 6:30 के आसपास, 6:45 मान के चलो। अभी इसके बाद मैं क्या करूँगा भाई, सीधी सी बात है, अब जाऊँगा थोड़ा सा खाऊँगा आसपास और मैं अपने हॉस्टल में जाऊँगा। ये बंदा थैंक यू फॉर द डे एंड दूसरा अपना चोमू, चलो एक ओके okay? ये अपने घर जा रहे हैं। सारी Okay. Закат. Потом увидимся. Закат будет на коне. Хорошо, хоть не под конем. Окей, то अभी ये लोग जा रहे हैं और मैं भी अपने घर जाऊंगा खाने के लिए। यही है भाई रिवेरा होटल जो बात कर रहे थे कल जब हम ट्रिप पे जा रहे थे ना, क्या बोलते उसे, सिटी टूर। तो यही है रिवेरा होटल जो 4-स्टार होटल है और बहुत ही फेमस होटल है कजान में। ये रिवेरा होटल का ही पार्ट है ये एक्वा पार्क। तो अगर आप यहाँ रहते तो डायरेक्टली आप एक्वा पार्क में भी जा सकते हो, पास ही रहता है। तो बेटर यही रहेगा कि आप इधर ही रहो अगर आपके पास पैसे हैं तो। मेरे पास तो ज़्यादा है नहीं तो मैं नहीं रुक सकता, आपके पास है तो आप रुक जाओ, है ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं सुपर मार्केट जा रहा हूँ, संभाल लूँगा और घर जाऊँगा, उधर ही खा के रेस्ट करूँगा आज। और कल का पता नहीं कल क्या करने वाला हूँ। सुपर मार्केट के काफ़ी नाम है, जैसे कि पेरे क्रे स्टॉक, पेट्रोस का मैगजीन, सुपरमार्केट, इतने अलग अलग टाइप के नाम से ये लोग बोलते हैं सुपरमार्केट को। सुपरमार्केट तो चलो एक कॉमन नेम हो गया, बाकी जो नेम मैंने आपको बताया वो ही। मैगजीन किस बात का,
मेरे को तो यही समझ में नहीं आता मैगजीन का क्या मतलब होता है साला। मैगजीन का मतलब तो अलग ही होता है, पता नहीं यहाँ पर क्या सिस्टम है। थोड़ा सही अगर आपको बोले ना इन वर्ड में से कोई भी, तो समझ जाना कि सुपर मार्केट ही है। जाते जाते मैंने सोचा कुछ दिखा देता हूँ आपको। यार एक तो मेरे बाल बेंचो पता नहीं अजीब से हो गए, ये पानी का इतना सॉल्ट इतना केमिकल था कि मेरे बाल अजीब से हो गए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता इनके साथ, तो बस इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे भी हो। तो यहाँ पर ये देखो कितना खूबसूरत है एरिया। ये एक टाइप का पूरा आई थिंक बिल्कुल नया मतलब अपार्टमेंट है, जो मैंने आपको कल भी बताया था अगर आप मेरे वीडियोस देखे होंगे। ये पूरा नया खजान है, एकदम डेवलप्ड न्यू, और यहाँ पर हर एक फैसिलिटीज़ है। मैंने सुना है जो एक यूएसए में के घरों में होता है वो यहाँ पर भी, हर एक हाई टेक सिक्योरिटी हाई टेक फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन दिस टाइप ऑफ अपार्टमेंट, जो कि आप पीछे मेरे देख रहे हो। यहाँ भी देखो, ये देखो ये पूरे अपार्टमेंट में अवेलेबल है। सो ये गाइस ये पार्क है जिसमें मैं आया था पहले, और ये बहुत खूबसूरत है एट इवनिंग। मैं अभी यहाँ पर पार्क में हूँ, और मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया, मैंने कोशिश किया लड़कियों से बात करने के लिए। ये मेरा नया फ्रेंड है जो पीछे दिख रहा है, इज मैक्सिम। Maxim. My name is Max. He's from Samara. और ओह वेरी वेरी गुड डॉग, वेरी गुड डॉग, फ्रेंडली डॉग, फ्रेंडली डॉग। या देखो कितना प्यारा डॉग। गो। तो ओके मैक्सिम, सो टुडे वी मीट हिम। एक्चुअली आई हैव अ यूट्यूब चैनल, आई मेक यूट्यूब वीडियो समटाइम्स। या सो आई एम अ यूट्यूब स्टार, यू विल बी ऑन यूट्यूब, माय यूट्यूब चैनल। सो ये बंदा आज मेरे से मिलने आया फ्रॉम काउसरी। थैंक यू सो मच, एंड व्हाट वी डिड इज ट्राई, एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ओके, व्हाट वी डिड इज टुडे वी ट्राई टू स्पीक विद सम पीपल फ्रॉम रशिया रैंडमली, एंड गेस व्हाट वी वाज फीलिंग कंफर्टेबल टू कम्युनिकेट, एंड यू इज इट ओके इफ आई शो यू और नॉट, नो प्रॉब्लम। सो हर नेम इज, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज सोफिया।